मैं दो रूम लेकर आती थी, दो दो कमरे का सामान, हम कहाँ जाए गरीब आदमी, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ जाए। हमें तो 10 दिन का टाइम दो, हम तो 2 घंटे में कहाँ जाएंगे, बारिश आ रही है भी तो देखो। आज से तकरीबन 10 दिन पहले यहाँ पे 7 दिन का टाइम दिया गया था कि ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की प्राइमरी स्कूल की साइट है। कहते ने कि एक समस्या दूजी समस्या नू जन्म दिंदी है, जिसके एक उदाहरण देश विच थां थां ते झुग्गियां पा के बैठे गरीब लोग ने, जिन्हां दियां झुग्गियां नू हर 6 महीने बाद नजायज कब्जे कह के ढा दिता जांदा है, पर यह कोई नहीं कहता कि वह बेघर ने, इसलिए झुग्गियां पा के कदे इत्थे अते कदे उत्थे बैठ जांदे ने। अजिहा एक मामला सन्नती शहर लुधियाना तो सामने आया है, जिथे मॉडल टाउन विच पहुंचे निगम ने गरीबां दियां झुग्गियां चोपड़ियां ते अजिहा पीड़ा पंजा चलाया कि वह देखते ही देखते सिरों नंगे हो गए अते सने बाल बच्चा सड़क ते आ गए। हालांकि इस कार्रवाई दौरान गरीबां ने विरोध करन दी असफल कोशिश भी की, पर आखिर नूं हथ बन बन इको गल कहंदे सुनाई दिते कि असी आखिर जावांगे किथे। यही सर, यही जगह है, देखो सबको बोला गया यहाँ पे 500 बंदे हैं, 500 बंदे तो यहाँ पे कौन से बंदे रहेंगे, यहाँ पे इतना सा जगह दिया 500 बंदे रहने के लिए, यहाँ पे ना झुग्गी बना ना झोपड़ी बना हुआ, यहाँ पे कहाँ कौन सा बंदा। अरे यार फिर झुग्गी बनाई है, देखो अभी सब सामान लग रहा है, सारा सामान बारिश आ गया, हम कहाँ लेकर जाए, हमारे सामान पर हमारे दो दो कमरे का सामान है मेरे, मैं दो रूम लेकर आती थी, दो दो कमरे का सामान, हम कहाँ जाए गरीब आदमी, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ जाए। 4 दिन टाइम दे देते हम लोग खाली, हम लोग इतने साल से यहाँ से जो 50 साल हो गया यहाँ पे, हमारे घर वाले के रहते हुए 30-40 साल मुझे हो गया, अभी आकर लाए हुए यहाँ पे, बच्चे जमा जमा हो रहे हैं, बच्चे के यहीं पर से ब्याह किए, फिर अपने बच्चे का शादी किया यहीं पे, हमारे बेटे तो उतरे हो गए, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाए बच्चे सबको क्या मामला है, यहाँ पे क्यों ऐसे बैठे हो आप? क्या करें भाई, कहाँ जाए, हम सब इसी में रह रहे थे, कमरा भी नहीं मिल रहा है, देखिए बारिश, बच्चा भी बीमार है, बच्चा बीमार पड़ा है, देखिए कितना दिन से अभी बारिश आ रही है, गर्मी में निकाल दिया, हम सब कहाँ जाएंगे, ये बच्चा बीमार लेके, बारिश में बच्चे क्या करेगा, कहाँ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे कहाँ क्या करें, हम सब कहाँ जाए, गवर्नमेंट हम सबको मोहलत भी नहीं दिया, हम सब कहाँ क्या करें, हमारे आगे 1 महीने का बच्चा है, उस बच्चे पे कहाँ लग जाए, बारिश का मौसम है, क्या करेंगे हम सब, ये बारिश का मौसम है। दुखी हुए गरीबा ने तो इत्थों तक कह दिता कि एक पासे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि इस महामारी के दौर विच घरों बाहर ना निकलिया जाए, पर दूजे पासे निगम ने उन्होंने घरों ही बेघर कर दिता है, छोटे छोटे बच्चे कुछड़ चुकी ये औरतां हुण इस गलों परेशान ने कि बारिश के मौसम विच ओह हुण अपने बच्चों नू किवें संभालणगियां। क्या नाम है? क्या आप लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या बात है? हमें तो 10 दिन का टाइम दो, हम तो 2 घंटे में कहाँ जाएंगे, बारिश आ रही है भी तो देखो। तो ये क्या आप लोगों को कह रहे कि नोटिस वगैरह भी दिया गया था? कोई नोटिस नहीं, हमने फार्म हाउस बनाया रखा था वो तोड़ दिया, चेयरमैन साहब के एसपी साहब जिसकी बात हुई है ना, सब आपस में बात की है, हमारे जो किरदार है हमसे किसी ने एक बार भी नहीं बोला है जो आप यहाँ से रूम खाली कर दो, चेयरमैन साहब हो, एसपी साहब हो, या ट्रस्ट साहब जो भी हो, जिन्होंने हमारा ये मालिक हो यहाँ का, सब लोगों ने अपने आपस में बात कर लिया, हमसे किरदार से किसी ने भी आके ये नहीं बोला है जो आप यहाँ से रूम खा लो। आज आप देख लो इतना बारिश हो रहा है, बारिश में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे इनको लेकर, इतने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इतने परेशान हो गए, कहाँ जाएंगे इसको लेके, कल को बीमार होता है, कौन जिम्मेवारी है इसका, इसका जिम्मेवार कौन है सर? तो आप लोगों को क्या अभी तोड़ दिया गया कि खाली सर? पूरा तोड़ दिया गया इसको, हमें अभी इधर का तोड़ दिया गया है और हमें 1 घंटे का समय दिया, तोड़ने की बात कर रहे थे, आधा तोड़ दिया, आधा और तोड़ने की बात कर रहे, पहले बोले छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, 40-50 साल हो गए हमारी माओ को यहाँ रहते रहते, हमने खुद यहाँ पे जन्म लिया और बच्चे हुए आज हमारे,
इतने छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे आप बताइए। सरकार हमें बताइए, सरकार कहती है गरीबों का साथ है, कहाँ है सरकार गरीब के साथ? आज दिखाइए कोरोना वायरस में अगला कोई कमरा नहीं। मोदी जी कह रहे घर से बाहर निकल, हमें घर से बेघर करा जा रहा है। खुले मैदान में हम सामान, चार दिन हमने ढूंढा कमरा, हमें कहीं नहीं मिला। दूजे पासे निगम अधिकारियों मुताबिक ए सारी थां सरकारी प्राइमरी स्कूल दी है अते इत्थे किसे व्यक्ति ने नजायज कब्जा किया होया सी अते जदों निगम उस कोलों कब्जा छुड़वाउण आया सी तां उसे वेले इन्हां लोकां नूं भी एक हफ्ते का समा दिता गया सी पर इस दे बावजूद भी इन्हां वल्लों होर किधरे भी रहण का प्रबंध नहीं किया गया अते हुण मजबूरन निगम नूं थां खाली करवाउणी पै रही है। आज से तकरीबन 10 दिन पहले यहाँ पे 7 दिन का टाइम दिया गया था कि ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की प्राइमरी स्कूल की साइट है तकरीबन 4926 स्क्वायर यार्ड की, तो इस पे सोनू जट नाम के व्यक्ति का नजायज़ कब्जा था। यहाँ पे उसने फार्म हाउस भी बनाया हुआ था जो पिछली बार उस कार्रवाई में तोड़ के इनको चेतावनी दी गई थी कि आप 7 दिन का टाइम है, ये सब किराएदार है। इन्हों बिल्कुल नोटिस दिता गया 7 दिन की बजाय असं 10 दिन आए हैं। सो सिंपल सी बात है कि जब सरकार अपनी जगह पे कब्जा तो लेगी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की साइट और जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे जिस बंदे ने कब्जा किया था बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ भी करता था, जितना दो नंबर की शराब का काम, चिट्टे का काम, चिट्टे पे उसके अपने केमिकल नशे के पर्चे भी चल रहे हैं। तो इस वजह से ये गरीब तो बेचारे यहाँ पे किराया दे के रह रहे थे, इनको तो ये भी नहीं पता था कि ये सरकार की जगह है। अब इनका मेयर साहब लुधियाना से बात करके एक महीने का रहने का रैन बसेरे में इनका कोई सिस्टम करवा रहे हैं, वो बातचीत चल रही है, अभी आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट है। हुण इस विच किसनूं दोष दिता जावे, क्योंकि नगर निगम अपना काम कर रहा है, सरकारी थाए तां खाली करवाउण दे हुक्म होणगे, या फिर ये लोग जेड़े नजायज़ कब्जे वाली थां ते रह रहे ने, या फिर साडा सिस्टम जेड़ा हुण तक गरीबां दीआं बुनियादी सहूलतां पूरियां करन नूं वी बेवस है। भावें किन्नियां ही सरकारी स्कीमां ते अरबां रुपए खर्च किते जाण, पर उह अरबां रुपए दा फायदा किसे एक व्यक्ति नूं वी हुंदा कदे दिखाई नहीं दिंदा। लुधियाणा तो लखविंदर सिंह, पंजाबी लोक चैनल।